यस बेटे, अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कि आपके पास जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, और फिर हर क्वेश्चन पे, हर टाइप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे अलग वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो आपके पास एक्सरसाइज 7.2 में, और मैं अपने सब स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जब एक बार आप चैप्टर पढ़ लें स्पेशली, या पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखा कीजिए कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एक ही तरह के क्वेश्चन मत रिवाइज करिए, रिपीट करिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन ज़रूर करिए, जिससे वैरायटी। तो एक्सरसाइज 7.2 में आपके पास पहला क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आपको रेशो गिवन होगा, इफ़ रेशो इज़ गिवन, तो आपसे कहेगा फाइंड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अभी क्वेश्चन देखेंगे इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू क्या होगा, नहीं सर पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट विल बी गिवन, आपसे कहेगा फाइंड रेशियो, ये आपके पास होगा, ठीक है। रेशियो में अगर मैं इसमें छोटा सा आपके, अगर रेशियो गिवन में मैं आपसे कह दूँ, यहाँ पे कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आपसे कह रहा है ट्राई सेक्शन, आपसे कह रहा है फोर इक्वल पार्ट, आपसे एक क्वेश्चन में दिया होगा ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी, तो ये भी एक तरह से रेशो ही गिवन है, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे मिड पॉइंट पे बेस्ड, सर्कल दे दिया, उसमें डायमीटर दे दिया, या फिर आपके पास पैरेललोग्राम दे दिया तो उसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इस पर हमारे पास होगा। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास क्या होंगे, कभी कभी आपसे कहेगा इन व्हाट रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड, इन व्हाट रेशो वाई एक्सिस डिवाइड, तो उस पर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2, टाइप 1 आप इसको कंसीडर करिए। यस, तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हों तो उसका कॉन्सेप्ट, उसमें जो यूज़ हो रहा है फॉर्मूला, वो भी आपसे डिस्कस करें, जिससे कि आप क्वेश्चन करते वक्त आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशो 2:3। प्लीज़ आप सब बच्चे ध्यान से देखिए, एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके पास इन एनी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। इस चीज़ को मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, और आप ख़ुद भी सोचिए, आप बार बार जब एग्ज़ाम में जाते, मतलब टीचर के पास जाते हैं, तो आप कहते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम यही कहते हैं, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा ये नहीं कहते हैं, सर क्वेश्चन बताइए क्या कहना चाह रहा है। तो आप सबके सब बच्चे फोकस किया कीजिए, व्हाट इज़ द लैंग्वेज गिवन, व्हाट इज़ द क्वेश्चन गिवन, जब आप क्वेश्चन समझेंगे तब आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब आप उस पर सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट आपको लैंग्वेज को समझना है इन एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, हमें क्या एक्सप्लेन करना है। हमें यही नहीं पता होता क्या करना है तो फिर हम कुछ गलत कर देते हैं, जब यही नहीं पता क्या करना है। तो प्लीज़ पहले लैंग्वेज, और मैं ज्योमेट्री की बात करूँगा कि अगर आप इन जो आपको इन्फॉर्मेशन है उससे अगर आप एक फिगर ड्रॉ कर लो तो और आइडिया हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो आपको एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, विच डिवाइड्स द जॉइंट -17 एंड 4-3, तो ये जो पॉइंट है कोई जॉइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा
उस कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, माइनस वन सेवन एंड फोर माइनस थ्री, इनका जॉइंट है, इनका लाइन सेगमेंट है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इनटू टू इज टू थ्री। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो टू इज टू थ्री, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, दैट्स इट। अब आपको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली एक्स इज इक्वल्स टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एंड वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हम पास। तो हम टाइप वन क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रेशो गिवन है तो आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यही हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, रेशो गिवन, ठीक है, ये हमारा होता है x1 y1, ये हमारे पास है x2 y2, ये हमारा होता है xy, एंड इट इज़ माई m1, इट इज़ माई m2। तो सिंपल दो लाइन लिखनी होती है, x निकालना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप इसको कर रहे हैं तो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस का मतलब क्या है कि ये m1 ले रहे हैं बट इधर वाले x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये m2 ले रहे हैं और इधर वाले x1 से, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मुझे x निकालना है तो बस x को ही यूज़ करना है, y को यूज़ नहीं करना है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, 2 इंटू फोर प्लस यहाँ क्या है 3 इंटू माइनस वन, माइनस में होता है तो थोड़ा सा उसका ख्याल करना है, अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स इट। ये मेरा आंसर आ गया x, सिंप्लीफाई करिए, 2 फोर जा 8, 3 माइनस वन माइनस थ्री, एट माइनस थ्री इज फाइव, और बेटे नीचे भी फाइव है, दैट इज़ वन, सिंपल। अब अगर आपको y निकालना है तो अब आपको m1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको समझ में आ गया, m1 m2 है, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या था, 4 के साथ था माइनस थ्री, और माइनस वन के साथ क्या है 7। तो अब मुझे y चाहिए तो m1 इधर वाले रेशो को इस वाले से मल्टी, और y चाहिए तो y से मल्टीप्लाई करें, तो प्लीज़ ध्यान से देखें, इधर 2 इंटू माइनस थ्री, अगेन माइनस, केयरफुली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं जब भी माइनस आ जाए, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना बेटा 7 से, एंड 2 प्लस थ्री, ये बस। तो आपके पास अगेन क्या आया बेटे, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, बट 6 माइनस में है तो 21 माइनस 6 विल बी 15, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, 15 बाई 5 इज 3। तो आपके पास क्या आ गया, जो आपका पॉइंट निकालना था उसमें x आया है 1 और y आया है 3, तो ये मेरा आंसर इस तरह से। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके पास इसी पे डिपेंड करता है कि अगर रेशो गिवन है तो आपको पॉइंट निकालने, इसी पे बेस हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको रेशो गिवन है, मैं आपको बता दूँ, फिर हर अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, इसी टाइप वन में ही हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल उसका एक ज़्यादा रख देते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 7.2 का, उसको भी हम इसी कैटेगरी में रख रहे हैं, और एक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपके पास रेशो गिवन है, और एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी हमारे पास रेशो गिवन है। तो इफ़ रेशो इज़ गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ऑल आर इन द सेम कैटेगरी, इफ़ द रेशो गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9 नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थैंक यू।